अतीक अहमद को उम्र कैद की सज़ा कौन से केस में हुई? कोर्ट के अंदर की पूरी कहानी वकील साहब ने क्या बताया? तीन लोगों को सिद्ध दोष किया गया है और उसके बाद तीन लोगों को सिद्ध दोष किया गया है जिसमें एक सर श्री अतीक अहमद, सर श्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की अधिकतम सजा वही है और बाकी में एक लाख रुपए का छतपुर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा। एक एक लाख रुपया सूक्ष्म दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है। विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। हाईकोर्ट में होगा ही और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। हम छोटेपन से यही सुनते आ रहे हैं कि अच्छे काम करोगे तो अच्छा नतीजा मिलता है, आपको ऊपर जाकर स्वर्ग नरक में जाना पड़ता है अच्छे कामों की वजह से। लेकिन हम ये नहीं कर पाते कि हम अच्छा कर्म करें, लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं कि स्वर्ग नरक सोचते हैं कि यही है और सच में यही है, सब कुछ यहीं सजा काटनी पड़ती है। अब आप देख लीजिए, कोई भी गुनहगार बच नहीं पाता कानून से, फिर भी लोग गलत काम करते हैं। इसलिए इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए।